फैन कॉइल यूनिट हो या एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट हो तो उसकी ट्रेन इस तरीके से बनाई जाती है। अगर वो छोटे यूनिट है तो ये देखो ये इधर ये एफसीयू लगा हुआ है, तो उसके साथ ये फ्लेक्सिबल पाइप लगा है, नीचे उसकी एयर ट्रे है जो वाटर ट्रे होती है, उससे एक नोज़ल आ रही है, निपल आ रही है, उसके साथ ये फ्लेक्सिबल लगा है। फ्लेक्सिबल लगाने का मकसद है अगर वो जब वाइब्रेट करता है चलता है एक यूनिट चलता है तो इस पाइप को वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्ब ना हो, ये तंग ना हो या इसमें से आवाज़ें वगैरह ना निकले। तो जब मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा, ये हिल रहा है, तो जो यूनिट होता है इसमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा नहीं होती। तो इस तरीके से और इसको क्लंप वगैरह भी लगाए, सैडल क्लंप लगा दिए गए हैं। ये इसकी नीचे ट्रे है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होकर यहाँ से एल्बो लगी हुई है, एल्बो लगाने के बाद जो टी लगाई गई है जो पीवीसी की टी लगी है, इसके साथ ये क्लीन आउट नट लगाया गया है। क्लीन आउट नट का मतलब मकसद सिर्फ होता है कि अगर यहाँ पर कोई कचरा वगैरह इकट्ठा हो गया ऊपर से नीचे तो आप इसको खोल के, मैं आपको खोल के दिखा भी सकता हूँ, एक मिनट मैं इसको खोल रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं ये कि नट लगा हुआ है, नट को इधर से हम खोल देते हैं तो यहाँ से अगर कोई कचरा वगैरह हो तो हम उसको निकाल लेते हैं। अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने वहाँ से नट खोल दिया है, आप देख रहे थे पहले मैं खोल रहा था, तो वो नट मैंने खोल दिया है। नट खोलने के बाद अंदर देख लें, ये इस तरह के होता है इसके थ्रेड वगैरह जहाँ पर नट टाइट हो जाता है। तो नट अभी मैं दोबारा उसको वापस ही लगा देता हूँ उस नट को, ये देखो मैं अपने नट को वापस लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप टेफलॉन वगैरह हल्की सी लगा के इसको टाइट कर सकते हैं कि कोई ड्रॉप वगैरह ना करें, क्योंकि नीचे सीलिंग होती है तो वो ख़राब होती है। और इधर भी एल्बो लगाई गई है, तो इसका एक बात का ख्याल रखना है कि ये वाली जो एल्बो लगी हुई है ना, इस साइड वाली एल्बो, तो जो मशीन के साथ एल्बो लगी हुई है मशीन वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, नीचे बिल्कुल नहीं होनी। बस सबसे टेक्निकल पॉइंट इसका यह है, जो ये वाली एल्बो है दूसरी मशीन वाली साइड से बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, उसको ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा फ़र्क होना चाहिए, 3-4-5 सेंटी आप जितना भी रख सकते हैं रख देना चाहिए। और इसके ये देखें ये एयर के लिए है कि एयर वगैरह कर इकट्ठी हो इधर से आवाज़ वगैरह, तो इसका प्रॉब्लम ना बने। आप देख रहे हैं तो ये 5-7 सेंटी का पाइप लगा हुआ है, एयर के लिए लगाया गया है। इसके साथ यूनियन लगाया गया है, अभी इस लेन को हमने कनेक्ट नहीं किया मेन लेन के साथ, बस इधर ही छोड़ दिया है, फ़िलहाल इस पर काम जारी है। तो इसके साथ सैडल क्लंप वगैरह भी लगा दिए गए हैं। बस सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है इस पर कि ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह है, इसी पर सिर्फ टेक्निकल पॉइंट इसका यही होता है कि ये वाली एल्बो डाउन होनी चाहिए इस वाली एल्बो के नस्बत, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाली साइड बिल्कुल डाउन है।